Hello everyone, in this video lecture of digital communication, I am going to discuss introduction to M-Array communication. First of all, what is the meaning of M-Array? M-Array ka means hota hai, M means number of symbols. ठीक है, what is the meaning of number of symbols? And symbols क्या होते हैं? वो आपका group of bits होते हैं. ठीक है, clear है? ठीक. Now, अभी जो हमने previous techniques पढ़ी ASK, PSK, FSK, जो हमने पढ़ी basically binary ASK, binary PSK, binary FSK. तो in case of binary, there is only two possibilities, 0 और 1. ठीक है, means ये हमारा base 2 होता था. Means कि in this case, number of symbols हमारे कितने हो गए? 1 and 2. कैपिटल M की वैल्यू क्या हो गई? 2. मींस कि ओनली 2 सिंबल पॉसिबल, आइदर 0 और 1. एंड नंबर ऑफ बिट्स कितनी हो गई? स्मॉल n इज इक्वल टू 1. ठीक. तो नाउ अगर आपको M की वैल्यू गिवन है, तो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ n. इफ यू हैव वैल्यू ऑफ n, तो यू कैन फाइंड द नंबर ऑफ सिंबल्स, कि कितने सिंबल्स पॉसिबल है. ठीक. ठीक, क्लियर है? तो व्हाट इज द फॉर्मूला? अगर हमें n की वैल्यू पता है, तो m कैन बी कैलकुलेटेड बाय, यहां लिख देती हूं, नंबर ऑफ सिंबल्स m इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर स्मॉल n. नाउ अगर हम बाइनरी की बात करें, नंबर ऑफ बिट्स कितनी होती हैं? 1. यहां पर हमने 2 रेज टू पावर 1 रखा, तो m की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? 2. मींस कि ओनली 2 सिंबल्स पॉसिबल. ठीक. एंड यू हैव टू फाइंड कि हाउ मेनी बिट्स आर रिक्वायर्ड टू गेट दैट कम्युनिकेशन स्कीम. तो हाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ n? तो इन दैट केस जस्ट इसका अपोजिट कर दें. मींस कि स्मॉल n विल बी इक्वल टू लॉग बेस 2 M. ठीक है, प्लीज रिमेंबर, यहां हम बेस क्या लेंगे? 2. टेक्निक पढ़ी थी BASK, BPSK, BFSK, तो ऑलरेडी मैंने बताया कि वहां पर हम सिंबल पर सिंबल ओनली सिंगल बिट को ट्रांसमिट करते थे. मींस द नंबर ऑफ ट्रांसमिटेड बिट्स क्या होती थी? 1. तो नाउ व्हाट इज द बिट इंटरवल और सिंबल ड्यूरेशन? बिट इंटरवल मींस कि 1 बिट को ट्रांसमिट करने में जो आपका टाइम लगा. तो इन केस ऑफ BASK, BPSK, BFSK, बिट इंटरवल और सिंबल ड्यूरेशन विल बी सेम, दैट इज इक्वल टू TB सेकंड्स. ठीक. नाउ अगर हमें बिट इंटरवल पता है, तो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ बिट रेट. बिट रेट इज इक्वल टू 1/T बिट्स पर सेकंड. ठीक है, BPS लिखो आप या बिट्स पर सेकंड लिखो, इट्स अप टू यू. आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो. ठीक. नाउ अगर हमें बिट रेट, तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा? इफ टीबी इज ग्रेटर, देन बिट रेट हमारा बहुत स्मॉल होगा. कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड हायर बिट रेट, इन दैट केस हमारे पास दो ऑप्शन है, आइदर वी कैन रिड्यूस द वैल्यू ऑफ टीबी और वी कैन यूज एम एरे सिग्नलिंग. बट इन केस ऑफ दिस, अगर हमने टीबी की वैल्यू को रिड्यूस किया, अगर हमने टीबी को रिड्यूस किया, तो हमारी क्या होगी? बैंडविड्थ क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. ठीक. मीन्स कि अगर हमने ये टेक्निक यूज की, तो बैंडविड्थ विल बी इंक्रीज, बिकॉज बैंडविड्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बिट रेट. नाउ बट इन मेनी कम्युनिकेशन स्कीम्स, जो बैंडविड्थ होती है वो लिमिटेड होती है. तो इन दैट केस हम टीबी को रिड्यूस ना करके हम कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे? एम एरे सिग्नलिंग. ठीक. नाउ अब जब हमारी एम एरे सिग्नलिंग यूज करेंगे, इसमें हमारी टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं? एम एरे ए एस के, एम एरे पी एस के, एम एरे एफ एस के. ठीक है, क्लियर है? नाउ अगर एक एग्जांपल की बात करें एम एरे पी एस के की, तो हमने क्या पढ़ा था? क्वाड्रेचर फेस शिफ्टिंग, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड 4 एरे पी एस के, बिकॉज इन केस ऑफ क्यू पी एस के हम 2 बिट्स को ट्रांसमिट करते हैं पर सिंबल. पी एस के में क्या होता था? इन क्यू पी एस के कैन बी रिटन एज 4 एरे पी एस के. ठीक है, इन दिस केस कैपिटल एम इज इक्वल टू 4, मीन्स कि हाउ मेनी पॉसिबल सिंबल? 4. और वो सिंबल्स क्या होते थे? 0, 0, 1, 0, 1, 1 और 0, 1. ये मींस कि स्मॉल n की वैल्यू क्या होती थी? 2. ठीक है, तो ये यहां पर हम QPSK पे ही नहीं रहेंगे, हम इसका एडवांस वर्जन करेंगे. तो 1 by 1 मैं सारे डिस्कस करती हूँ. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एम एरे ए एस के. एम एरे ए एस के में क्या होगा? दिस इज एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, इन विच नंबर ऑफ सिंबल्स कितने होंगे? m, मीन्स की नंबर ऑफ बिट्स कितनी होंगी? n. m डिफरेंट नंबर ऑफ सिंबल्स होंगे. क्लियर है? तो दिस इज वेरी क्या होता है? वेरी सिंपल दिस केस. हाउ मेनी लेबल्स आर देयर इन दिस केस? m डिफरेंट लेबल्स ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल. ठीक है, इफ यू रिमेंबर इन केस ऑफ BSK क्या होता था? अगर हम BSK की बात करें, तो इन दैट केस इफ बिट 0, अगर हम बिट 0 ट्रांसमिट करते थे, दैट केस जो हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता था S0T
वो क्या होता था, जीरो मींस नो एम्पलीट्यूड, और इफ बिट वन ट्रांसमिट होती थी इन दैट केस एस वन टी इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा सी टी, एम एरे ए एस के कैन सेंड लॉग टू एम और एन बिट्स पर सिंबल. इन दैट केस हमारे जो एम्पलीट्यूड होंगे वो क्या होंगे, सपोज हमारा जो भी कॉम्बिनेशन होगा वो हमारे कॉम्बिनेशंस हो जाएंगे. अगर हम एस की बात करें, एस एम टी सपोज मॉड्यूलेटेड सिग्नल, तो फर्स्ट एम्पलीट्यूड हम जीरो ले लिया, नेक्स्ट के लिए हमने कॉस ओमेगा सी टी ले लिया, नेक्स्ट के लिए हमने ले लिया एम्पलीट्यूड टू ए कॉस ओमेगा सी टी प्लस टिल, ये कब तक होगा, एम माइनस वन कॉस ओमेगा सी टी. ठीक, आइदर आप ये मेथड यूज कर सकते हो फॉर फाइंडिंग द डिफरेंट एम्पलीट्यूड लेबल इन एस के टेक्निक, और आप सिंपल रिप्रेजेंट कर सकते हो कॉमन फॉर्मूला एस एम टी इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड कॉस 2 पाई एफ सी टी, और हम क्या लिख सकते हैं, ए एम कॉस ओमेगा सी टी. ए एम इज इक्वल टू 2 एम माइनस 1 माइनस कैपिटल एम, स्मॉल एम इज इक्वल टू 1 टू टिल कैपिटल एम फॉर 0 टू सिंबल ड्यूरेशन. ठीक है, ये याद रखना है. ठीक, फॉर एग्जांपल अगर हम एम की वैल्यू, इफ m is equal to 4, means कि हम क्या ले रहे हैं, 4 array a s k, means कि how many different labels, 4 different label होंगे. now अगर 4 different label हैं तो m की value क्या होगी, m is equal to हो जाएगा 1 2 3 and 4. for this what is the amplitude, check करते हैं, for a 1 means कि अगर हमने a की value, m की value को 1 put किया तो a 1 will be 2 m means कि 2, ये 2 m की value क्या है, 1, 2 minus 1 क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3. ए 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 माइनस 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 माइनस 1 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 1. इफ हमने लिया m की वैल्यू को 3 तो दिस विल बी 2 इंटू 3 माइनस 1 माइनस 4 मीन्स 6 माइनस 1 माइनस 4 इज इक्वल टू प्लस 1 एंड a 4 means कि for this value क्या हो जाएगी, 2 into 4 minus 1 minus 4 is equal to 8 minus 1 minus 4 is equal to plus 3. means कि how many different label हमें मिल गए, हमें 4 different label चाहिए थे, और वो 4 different label क्या हो गए, एक voltage label हो गया minus 3 का, दूसरा क्या हो गया minus 1, third voltage label is plus 1 and fourth one is the plus 3. ठीक है, तो either, ठीक है, तो आइदर यू कैन यूज दिस मैथड और यू कैन यूज दिस मैथड, इट्स अप टू यू. इन मेन एम इज कि फॉर एवरी सिंबल एम्पलीट्यूड शुड बी डिफरेंट, तो इन दिस केस एम्पलीट्यूड इज डिफरेंट, इन दिस केस अगेन एम्पलीट्यूड इज डिफरेंट. ठीक है, नाउ वन मोर थिंग कि एम एरे ए एस के इज द सिंपलेस्ट मैथड. इन दिस केस जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स होगा दैट विल बी 1, और अगर हम ये मैथड यूज करते हैं तो बैंडविड्थ रिमेन कॉन्स्टेंट सेम एज बाइनरी ए एस के सिग्नल. ठीक है, याद रखना है. मगर एम्पलीट्यूड हर बार चेंज हो रहा है, मीन्स की पावर विल बी चेंज प्रोपोर्शनल विथ एम स्क्वायर. क्या हो बल है, ठीक है, सेकेंड बैंडविड्थ रिमेन कॉन्स्टेंट, ठीक है, पावर ऑफ सिग्नल, पावर इज इंक्रीज्ड इंक्रीज्ड प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनली टू एम स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पर हम एनवेलप डिटेक्शन यूज करेंगे, मीन्स नॉन कोहेरेंट, नॉन कोहेरेंट. तो दीज आर द फीचर्स ऑफ ए एस के. नाउ नेक्स्ट इज एम एरे एफ एस के. एम एरे एफ एस के है मीन्स की जो कैरियर्स होंगे वो हमारे पास कितने डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होंगी, एम डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होंगी. ठीक है, तो नाउ इन एम एरे एफ एस के इज सिमिलरली जनरेटेड बाई सेलेक्टिंग वन साइनोसाइडल फ्रॉम द सेट. सेट हमारा क्या होगा, ए कॉस 2 पाई एफ आई टी. नाउ अब देखते हैं एम एरे एफ एस के. एम एरे एफ एस के में एम्पलीट्यूड विल नॉट चेंज, फॉर एवरी सिंबल फ्रीक्वेंसी विल चेंज. जैसे हम जब करते थे क्या, बी एफ एस के, फॉर वन हम लेते थे हाई फ्रीक्वेंसी एफ एच,
एंड फॉर जीरो हम लेते थे लो फ्रीक्वेंसी एफ एल. इन द सेम वे इन दिस केस हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी पर सिंबल. ठीक है, एवरी सिंबल के लिए डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होगी. नाउ यहाँ पर हमारा कैरियर सिग्नल इज डिफाइंड बाई ए कॉस 2πfit वेयर आई इज इक्वल टू 1, 2, 3 टिल एम. मीन्स कि हम कोई भी सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम दिस, डिपेंड्स ऑन कि हमारा विच सिंबल इज ट्रांसमिटेड. ठीक, कि स्मॉल एन इज लॉग 2m, मीन्स कि पर सिंबल n बिट्स और लॉग 2m बिट्स विल बी ट्रांसमिटेड. ठीक, नाउ दिस फ्रीक्वेंसी वी कैन डिजाइन ए फ्रीक्वेंसी इंक्रीमेंट फिक्स वैल्यू होगी, दैट इज डेल एफ. ठीक है, ये फिक्स होगी फॉर ऑल. तो एफ एम और एफ आई लिख सकते हो आप. एफ एम इज गिवन बाई एफ वन वेयर एफ वन इज द कैरियर फ्रीक्वेंसी मीन्स एफ सी प्लस स्मॉल एम माइनस वन डेल एफ. ठीक है, अगर हमने यहाँ आई लिया तो इट शुड बी आई. ठीक है, तो सेम वे जैसे यहाँ पर हमने डिफरेंट कैरियर लिए थे बट हम कैरियर को डिफाइन कर रहे थे, यहाँ हम फ्रीक्वेंसी को डिफाइन कर रहे हैं. तो हमने लिया एफ एम. ठीक है, एफ वन प्लस एम माइनस वन वेयर एम इज इक्वल टू 1, 2 टिल m. क्लियर है, ये हो गया. नाउ फॉर एफ एस के विथ इक्वल फ्रीक्वेंसी सेपरेशन द फ्रीक्वेंसी डेविएशन एज फ्रीक्वेंसी डेविएशन. हमारा जो सेपरेशन होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए, मीन्स कि जितने अमाउंट का हम फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे उतना ही हम माइनस करेंगे अगर हमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसी चाहिए. जैसे हम बी पी एस के में क्या करते थे, एफ सी प्लस ओमेगा लिखते थे. ठीक है, सेम वे यहाँ पर हम क्या लिखते थे, एफ सी माइनस ओमेगा टी. तो ये हमारी क्या होती थी, फिक्स वैल्यू होती थी. तो सेम वे यहाँ पर भी जो सेपरेशन होगा वो कॉन्स्टेंट वैल्यू का होगा. दैट्स वाई जो फ्रीक्वेंसी डेविएशन होगा, फ्रीक्वेंसी डेविएशन डेल एफ विल बी इक्वल टू एफ एम माइनस एफ वन डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू 1/2 एम माइनस वन डेल एफ. ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी डेविएशन. ठीक, नाउ अब यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स आती हैं. इफ डेल एफ इज ग्रेटर मीन्स की लार्ज है, इन दैट केस बैंडविड्थ विल बी इंक्रीज. क्या हो जाएगी, बैंडविड्थ इंक्रीज हो जाएगी, जो हमारी क्या होगी, बैंडविड्थ का मिसयूज होगा. इफ हमने डेल एफ को इज लेस वो बहुत छोटी है, इन दैट केस बैंडविड्थ क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी. अगर बैंडविड्थ रिड्यूस हो जाएगी तो जो सिंबल ट्रांसमिट हुए उनको डिस्टिंग्विश करना क्या होगा, मुश्किल होगा. तो फॉर दैट, टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम, हम क्या यूज करते हैं, एम एरे एफ एस के. और हम डेल एफ की वैल्यू को इतना कम रखते हैं कि उसमें हमारा डिस्टिंग्विश करना भी ईजी हो और कोई हमारा मतलब एट द रिसीवर एंड वी कैन रिकवर ओरिजिनल सिग्नल ईजिली. ठीक है, नाउ टू फाइंड दिस, अगर हमें इस वैल्यू को मिनिमम रखना है तो हमारे सिग्नल्स जो होने चाहिए एफ एस के कैरियर सिग्नल, दैट शुड बी ऑर्थोगोनल टू ईच अदर. डेल एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल एफ इज इक्वल टू 1/2 TB Hz. नाउ ऑर्थोगोनल बेसिस फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई आई टी इज इक्वल टू √2/TB. ये हमें पता ही है, हमेशा लेते जब हम कॉस 2π. फ्रीक्वेंसी क्या होगी, दिस वन. ठीक है, अब यहाँ आई हमने लिखा है तो एम की जगह पर हम आई पुट कर देते हैं. यहाँ क्या होगा, एफ वन प्लस आई माइनस वन. डेल एफ की वैल्यू क्या है, 1/2 TB, मीन्स कि यहाँ क्या होगा, 2 TB. ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ क्या होगा, टी. ठीक है, तो दिस इज द बेसिस फंक्शन फॉर एफ एस के. ठीक, दस ईच ऑफ द एफ एस के सिंबल कैन बी रिटन एज एम्पलीट्यूड विल बी सेम, ए कॉस 2πfmt. ठीक, अगर हमें इसे बेसिस फंक्शन के फॉर्म में लिखना है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, a के साथ आप मल्टीप्लाई कर दो √2 TB का और डिवाइड भी कर दो √2 TB का, देन कॉस 2πfmt. तो इट कैन बी रिटन एज 2 TB एक साथ हो जाएगा. ठीक है, 2πTB, तो यहाँ पे क्या बचेगा, a, ठीक है, ब्रैकेट दिस TB एंड यहाँ से 2.
ठीक है, ये जो फंक्शन को हमने रिप्लेस किया मींस कि ऊपर से 2 को और नीचे से टी बी को हमने रिप्लेस किया कॉस के साथ कंबाइन करके, तो हमारा क्या हो जाएगा, इट विल बी फाई एम टी, ठीक है, वेयर वेयर एम इज इक्वल टू 1 to टिल कैपिटल एम. नाउ अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम एरे ए एस के एंड एम एरे एफ एस के, तो इन दिस केस ए एस के में एम्पलीट्यूड चेंज होता था, मींस कि नॉइज ऑफ नॉइज के चांसेस क्या होते थे, ज्यादा होंगे, बट इन दिस केस नॉइज हमारी क्या होगी, नॉइज इज डिक्रीज, नॉइज रिड्यूस हो जाएगी. सेकेंड थिंग, इन केस ऑफ ट्रांसमिटेड एम नंबर ऑफ सिग्नल्स इसमें, और इन केस ऑफ एम एरे ए एस के एम्पलीट्यूड ऑफ एवरी सिंबल्स इज चेंज, तो वहां पर क्या होता था कि एनर्जी जो होगी सबकी डिफरेंट होगी, बट इन दिस केस ट्रांसमिटेड एम नंबर ऑफ सिंबल्स आर इक्वल इन एनर्जी एंड ड्यूरेशन, ठीक है, ना तो इनका ड्यूरेशन चेंज होगा और ना ही इनकी एनर्जी चेंज होगी, ठीक है. एंड ईच सिग्नल जो डिफरेंशिएट होगा, वो हमने जो फॉर्मूला बताया था डेल एफ का, वो होगा डिफरेंस, मींस कि ईच सिग्नल सिंबल और सिग्नल सिंबल आर सेपरेटेड बाय 1/2 TB. नाउ नेक्स्ट इज एम एरे पी एस के. एम एरे पी एस के मीन्स कि एम सिंबल्स कैन बी ट्रांसमिटेड विथ एम डिफरेंट फेजेस, ठीक. फर्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल बी पी एस के. इन केस ऑफ बी पी एस के दिस इज बाइनरी फेज शिफ्ट किंग, देर इज ओनली 2 सिम्बल्स, एम इज इक्वल टू 2 और नंबर ऑफ बिट्स क्या होती थी 1. सिम्बल्स जो होते थे वो 2 थे, 0 and 1, ठीक है. तो वॉट वॉज द फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस क्या था यहाँ पर 0 and 1 के बीच में, इफ 0 ट्रांसमिटेड तो फेज डिफरेंस होता था 180 डिग्री का फेज शिफ्ट बिटवीन बोथ सिग्नल्स, मीन्स की फेज डिफरेंस फाई टी वॉज पाई. पाई को हम क्या लिख सकते हैं, 2π/2, क्लियर है. दिस वॉज द केस फॉर बी पी एस के. नाउ अगर हमने एक और पढ़ा था, दैट वॉज क्यू पी एस के, क्वाडेचर फेज शिफ्टिंग, मीन्स की इन दिस केस फाई टी वॉज π/2, विच कैन बी रिटन एज 2π/4, ठीक है. मीन्स की आप यहाँ पर देखो, इन बी पी एस के सिम्बल्स कितने थे, 2, तो यहां पर हमने डिवाइड किससे किया, 2π को बाई 2. इन केस ऑफ क्यू पी एस के हमने इसको क्या बोला था, 4 एरे पी एस के, मीन्स की एम इज इक्वल टू 4, तो 2π इज डिवाइडेड बाई एम. तो सेम वे जब हम बात करेंगे एम एरे पी एस के की, तो वॉट इज द फाई टी, फाई टी विल बी इक्वल टू 2π/m. ये तो हमें मिल गया फेज डिफरेंस, क्लियर है. कि फेज डिफरेंस क्या होगा, दिस वन, कि एवरी सिंबल्स के बीच में हमारा फेज डिफरेंस जो होगा दैट इज 2π/m, क्लियर. नाउ अब हमारी बिट्स कितनी ट्रांसमिट होंगी, n बिट्स ट्रांसमिट होंगी, तो इफ n बिट्स ट्रांसमिट होंगी, n बिट्स पर सिंबल, ठीक है. तो देयर इज ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि पॉसिबल सिंबल्स कितने होंगे, ऑलरेडी डिस्कस है, पॉसिबल सिंबल्स will be equal to 2^(n), ठीक. नाउ अगर इसमें n बिट ट्रांसमिट हो रही है, तो सिंबल ड्यूरेशन क्या होगा, सिंबल ड्यूरेशन विल बी इक्वल टू टी एस इज इक्वल टू एन टी बी, जितने बिट्स उतने का मल्टीप्लाई करेंगे हम बिट ड्यूरेशन से, ठीक है. फेज डिफरेंस भी पता चल गया, सिंबल ड्यूरेशन भी पता चल गया. नाउ एम एरे वेव फॉर्म को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एम एरे पी एस के रिप्रेजेंटेड बाई, ठीक है, एस एम टी, हम हर जगह एस को ही यूज करें, इज इक्वल टू √2πs cos ओमेगा सी टी प्लस फाई एम टी, ठीक है. फाई एम मीन्स कि हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, वेयर वेयर एम इज इक्वल टू 0, 1 till m-1, ठीक है, क्लियर है. नाउ ये हमारा हो गया, हमने फाई एम की वैल्यू, अब इसके हिसाब से अगर हम फाई एम की वैल्यू निकालें अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, तो व्हाट इज द वैल्यू, फाई एम विल बी गिवन बाय 2m+1π/m, ठीक है. नाउ अगर सपोज, ठीक है, अगर सपोज हमारे पास क्यू पी एस के का एग्जाम्पल लेते हैं इसको समझने के लिए, इन केस ऑफ क्यू पी एस के एम इज इक्वल टू 4, हैंस
स्मॉल m इज इक्वल टू क्या होगा, 0, 1, 2 एंड 3. ठीक. नाउ व्हाट इज द फेजेस फॉर QPS के, 5 0, मींस कि व्हेन m इज इक्वल टू 0 तो फेज डिफरेंस विल बी पाई बाई 4. ठीक. नाउ इफ m इज इक्वल टू 1 देन फेज डिफरेंस इज 2 इंटू 1 प्लस 1 मीन्स कि 3 पाई बाई 4, ये होगा 3 पाई बाई 4. ठीक. फॉर 5 2 दिस विल बी इक्वल टू 5 पाई बाई 4. ठीक है. एंड फॉर 5 3 दिस विल बी इक्वल टू 7 पाई बाई 4. ठीक. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईच फेजेस, पाई बाई 4 एंड 3 पाई बाई 4 के बीच में 90 डिग्री, बिकॉज दिस इज 45 डिग्री, दिस इज 135 डिग्री, 225 डिग्री, और यहाँ क्या होगा, 315 डिग्री. ठीक. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरी सिंबल, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री. यहाँ पर वैल्यू हमने पुट की थी तो क्या डिफरेंस आया था, 90 डिग्री. दैट्स वाई 4 एरे QPSK इज कॉल्ड क्वाडेचर फेज शिफ्ट की. ठीक. तो बाई यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द फेज ऑफ एनी m एरे PSK सिग्नल. फॉर्मूला पता चल गया कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर m एरे PSK, दिस इज. एंड नाउ अब हम फ्यू फीचर्स देख लेते हैं इसके कुछ. फर्स्ट कि इन दिस केस हमने क्या देखा कि देयर इज नो चेंज इन एम्पलीट्यूड. ठीक है. एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं होता, मींस कि नॉइस के केस में इट हैज बेटर परफॉर्मेंस. इट कि इन दिस केस एम्पलीट्यूड इज कांस्टेंट, मींस कि एनवेलप इज कांस्टेंट. एम्पलीट्यूड इज कांस्टेंट. ठीक है. विथ मोर फेज पॉसिबिलिटीज. प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इज मिनिमम. डिटेल ट्रांसमीटर एंड रिसीवर ऑफ PSK एंड FSK आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियोज. थैंक यू सो मच. स्टिल यू हैव एनी डाउट प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन. थैंक यू.